अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदनान भट्टी सऊदी अरेबिया से। आज हम मलक जिया साहब से बात करेंगे। वो पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का कामयाब कारोबार करने के बाद सऊदी अरेबिया में क्या काम करते हैं और उनके बारे में जानेंगे, तो आज उनका इंटरव्यू लेते हैं। मलक साहब, आप सऊदी अरेबिया में क्या काम करते हैं? सबसे पहले अदनान भाई, आपका शुक्रिया कार हमारे ऊपर है, आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमारा इंटरव्यू लें। उसके बाद बात यह है कि भाई, पहले तो हम मजदूरी करते थे इधर, तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई पैसे अपने सेव करके ये होटल का कुछ काम किया है, तकरीबन एक मुआवजा हो चुका है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक माह हुआ मुझे, तो अभी नया नया काम है, तो इन शाला अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पता है कोई भी काम है नया, उसके लिए वक्त देना पड़ता है, तो इन शाला जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वैसे वैसे काम अच्छा हो रहा है। ठीक है, तभी तो प्रॉफिट तो नहीं है, जो भी सेल वगैरह होती है रात को वो भी अपने सामान में डाल लेते हैं, अपना सामान वगैरह लेके आ जाते हैं। तो अभी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक है, मजदूरी है जो बाहर उससे अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपना कारोबार है उसमें बरकत है, ये आपको भी पता है कि हज़रत अली ने फरमाया कि जो अपना कारोबार है उसमें बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला और ज़्यादा मुझे तरक्की दे। आप सब भाई भी दुआ करें इस बात के लिए कि मुझे अल्लाह ताला और ज़्यादा तरक्की दे अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तीन मेरे पास कारीगर हैं, ठीक है, एक हांडी वगैरह, एक पराठे का और एक दूसरा वगैरह करता है, सालन वगैरह, पराठा वगैरह जो भी है। इनकी सैलरी तकरीबन एक की 2000 है, एक की 1500 है, एक की 1500 है। दुकान है जो इसका किराया एक महीने का किराया तकरीबन 1500 रियाल है, ठीक है, ये तकरीबन मिला के सब कुछ बन जाए तकरीबन 7000 रियाल। इजार वगैरह जो भी है, किराया वगैरह, इनकी जो तीन वर्कर हैं इनकी सैलरी वगैरह डाल के तकरीबन 7000 रियाल बन जाए। मलिक साहब, माशाल्लाह सऊदी अरेबिया में कामयाब कारोबार कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से इधर कैसे आए और पाकिस्तान में जो आप ट्रांसपोर्ट का काम करते थे उसके बारे में नागरिक को बताइए। जी, पाकिस्तान में हमारा ट्रांसपोर्ट का काम था अल्हम्दुलिल्लाह 25-30 साल से कर रहे हैं वो काम ट्रांसपोर्ट का, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम ठीक था। ठीक है, अब आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। मैंने फिर जब सोचा कि यार इधर बहुत महंगाई है, आपको पता है डीजल की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, आए दिन इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने हमें अपने घर में बुलाने की तौफीक दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर में आ गए, इधर अल्लाह के घर में आ गए। ठीक है, तो इधर अपना आपको पहले ही बताया कि ये काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक रहा, तो काम ठीक था। लेकिन पाकिस्तान में आपकी कितनी गाड़ियां? पाकिस्तान में दो गाड़ियां थी मेरी, गाड़ियां यानी कोस्टर थी, एसी कोच थी। एसी पहले नॉन एसी थी, उसके बाद फिर एसी वाली गाड़ी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम ठीक था। लेकिन जिस जगह आप इंसान का रिजल्ट लिखा हो, इंसान वहाँ रिजल्ट अपना उसको मिलता है। तो अभी पाकिस्तान में चल रही है या बेच दी है? नहीं, अब वो बेच दी है मैंने, तो इंशाल्लाह ताला अभी प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह वो हमारा पंजाबी में मिसाल बनी हुई है कि जल्दी कुछ भी काम है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम काम तो छोड़ेंगे नहीं, बड़ा भाई है वो कर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह एक दो गाड़ी इंशाल्लाह लेंगे, बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह जैसे जैसे इंशाल्लाह ताला का काम को ज्यादा पैसा मिलेगा इंशाल्लाह वैसे वैसे हम इंशाल्लाह एक दो तीन गाड़ियां बनाएंगे। मलिक साहब, सऊदी अरेबिया में आपने होटल ये खुद परचेज किया है या किसी से रेंट पे लिया है? जी भाई, बात यह है कि जो भाई सऊदी अरब में रहते हैं, जब सऊदी अरब में है, उनको पता है इस चीज का कि सऊदीया में इंसान अपना कारोबार नहीं कर सकता। कोई भी कारोबार है सऊदीया में वो आप कफील के नाम पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही अभी रुख्सत दिखा दे भाई, ये कह रहा मैं रुख्सत दिखाएगा आपको, अभी देखिए ना, ये रुख्सत लगा हुआ है, ठीक है, सऊदी के नाम का, ठीक है, ये सऊदी के नाम पे कारोबार होता है। ठीक है, ये मेरा कफील है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा कफील है मेरा। ठीक है, उसने बोला ठीक है मेरा रुख्सत मेरा और आप काम करो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। मलिक साहब, होटल में आप कितने टाइम का खाना प्रोवाइड करते हैं? सुबह टाइम में हमारे पास चना है, आलू अंडा होता है और पाए होते हैं, हलवा भी है, और जब ये तकरीबन 9, 9:30 बजे तक तकरीबन नाश्ता चलता है सऊदी में, उसके बाद खत्म हो जाता है ये चीज़। उसके बाद दोपहर टाइम में हमारे पास होते हैं बिरयानी, चिकन बिरयानी और गोश्त, बड़ा सब्जी होती है, दाल वगैरह होती है, रोटी का सालन होता है, ठीक है, रायता वगैरह, सलाद वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ होती है हमारे पास। और रात के खाने में फिर वो डिसाइड करते हैं, अगर कुछ है नहीं तो फिर वो मेन्यू को चेंज कर लेते हैं, तो मेन्यू चेंज करके सब्जी वगैरह या कुछ दाल वगैरह इस तरह कुछ भी बना लेते हैं। कभी कभी हमारे पास मछली भी, फिश भी होती है और समोसा भी वगैरह। और ये इधर सबसे बड़ी बात आपको मैं बताने भूल गया, आपको सब लोगों को पता है भाइयों को कि इधर सऊदी अरब में बंगाली बहुत ज़्यादा है, तो वो एक अपना समोसा और एक उनकी पूरी होती है, वो भी तो नहीं है, वो रात को बनती है, वो पूरी भी और समोसा भी, वो समोसा पाकिस्तान वाला नहीं है, वो छोटा समोसा गोल सा होता है,
वो भी खाते हैं। अभी बंगाली लोग बहुत बांग्लादेशी भाई है जो बहुत खाते हैं। तो आप हमारे नाजरीन का विजिट करवाएं जहाँ पे आप अपना खाना पकाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप हम अभी भी बता दें आपको इंशाल्लाह। नाजरीन चलते हैं मलक साहब के साथ इनका होटल देखते हैं, आपको विजिट करवाते हैं। ये हमारे बांग्लादेशी भाई हैं, ठीक है, ये भी काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपने बांग्लादेशी भाइयों को खाना बनाते हैं ये वाले। और ये भाई हैं इधर, ये भाई हैं ये भाई हैं जी, पाकिस्तानी खाना बनाते हैं, ठीक है, इनको पता है जैसे पाकिस्तानी खाना बनता है वैसे बनाते हैं। ये भाई हैं ये खाना वगैरह सर्व करते हैं, ठीक है, इधर सारा सर्व करके देते हैं शाखों में। तो ये देखिए ये सब, ये देखिए ना सब बुकिंग हो रही है, ये देखिए ना ये सब बन रही है हर चीज। ये कद्दू है सऊदीया का, ये देखिए ये कद्दू है जिसको कारखाना कद्दू बोल रहे हैं, कद्दू सऊदीया का कद्दू है। नाजरीन ये बंधु भाई है आपको दिखाएगा पराठा बनाते हुए, और बड़ा मालदार और अच्छा। ये हमारा सुबह नाश्ते के लिए पराठा है, ठीक है, अभी 10 बजने वाले हैं सऊदी में, 10:30 और 10:15 मिनट बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये रोटी के लिए तंदूर है, ठीक है, इधर लकड़ी में तो नहीं डलती है, इसकी तो सब गैस पे चलता है ये। अच्छा किया है, उधर बैठा कस्टमर, अभी ये सुबह लेकिन इधर सुखने के बगैर हम खाना नहीं लगा सकते, इधर ममनू है, ये सुबह लगेगा हम तो फिर ये खाना सर्वोगे तो खाना सर्व पाएगा, नाश्ता सर्व पाएगा। तो उसके बाद आपको दिखाते हैं हमने सुबह के नाश्ते में क्या बनाया है, दिखाएं जी। ये हमारा आलू अंडा, ये हमारी दाल है चना की दाल, ये पाया है, ठीक है, ये चना है देख सकते हैं आप, बस ये अभी वो उसमें गोश्त डालना अभी वो टाइम नहीं होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे ये जो ये शाही है, इसको बोलते हैं पाकिस्तान में कावा बोल सकते हैं आप, ये उसका इसमें गर्म होती है कावा, उसे डालते हैं इसको, ठीक है, इसका मुंह पर लगा लो, तो इसमें चाही बनती है वगैरह, उधर देखिए पराठा भी बना, ठीक है। आप सफाई की सारी दिखाएँ सफाई वगैरह, ये पाकिस्तान जैसे काम नहीं हो सकता है, पाकिस्तान ये होटल की माशाल्लाह सफाई बहुत अच्छी है, नाजरीन आप भी देख सकते हैं, कोई भी किसी किस्म का वो कचरा नहीं है, ये आप देख सकते हैं। एक और बड़ी बात मैं आपको बतानी भूल गया हूँ, वो हमारे पाकिस्तान में नीचे इसके नीचे वो थोड़ी सी आग जला देते हैं, इसके लिए आग नहीं है, ये देखिए हमारे पास भाई वो इसके नीचे पानी है, हीटर लगा हुआ है, ये देखें ये गर्म पानी रखा हुआ है, ये देखें आग नहीं जल रही है, ये ऑटोमेटिक है, इसमें आग नहीं जलती, इसमें पानी गर्म होता है, ये आप जैसे देख सकते हैं, ये देखें इतनी हीट पे आपने करना है इसको, ये देखें 20, 90, 60, 30 जितनी हीट पे करना है उतनी सीट पर एक पानी गर्म हो जाएगा, इसके नीचे आग नहीं जलती है। ये ऑटोमेटिकली खाना गर्म रहता है, ठीक है। और ये हमारा धोने वाला बर्तन वगैरह धोते हैं, ये भी मुर्गी गोश्त कड़ा हुआ मुर्गी का धोने रखा है इसको, ये भी उसमें बिरयानी वगैरह डालना है, बर्तन धोने वाले हैं, ये भी भाई भारी हो जाएगा तो बर्तन वगैरह धोने का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में ये जो बेसन साफ नहीं होगा, देख सकते हैं ये इधर रखना लाजमी है, हैंड वॉश है, इसको इधर रखना लाजमी है, अगर नहीं रखेंगे तो ये गर्माना हो जाएगा। अभी इधर टिशू हमारा खत्म हो गया है, ये सारा टिशू रख रखा हुआ, और सबसे बड़ी बात आपको मैंने बताने भूल गया, कोई भी किधर कारोबार करना है, कोई भी काम करना है, सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, वो देखें LCD कैमरा चलेगा इसमें, वो देख सकते हैं आप, कैमरा इधर लाजमन है, आपने कोई भी काम करना है आपका, ये देख सकते हैं कैमरा इधर लाजमी है, ठीक है,
कैमरा जो वो लाजमी है, कैमरे के बगैर इधर कोई भी कारोबार है वो गवर्नमेंट इधर की गवर्नमेंट वो पास नहीं कर सकती, ठीक है, वो आपका काम फेल कर देगी। कैमरा लगाना बाहर भी और अंदर भी, एक और दो और तीन, हमारे तीन कैमरे इधर लगे हैं, दो बाहर लगे हैं, ये ऑनलाइन चलते हैं हर वक्त, ठीक है। और जैसे आप देख सकते हैं ये तीन बंदे हैं, ये देखिए एक दो तीन जो उधर काम कर रहे हैं, ये समझ रहे पंजाबी में ये उनका शादी कार्ड है, ये लाइसेंस है उनका, अगर ये नहीं लगा होगा उनका इधर, जिस बंदे का इधर नहीं लगा है या खत्म हो गया है, तो कम से कम भी 5,000 रियाल ग्रामा है, ग्रामे से मराल के जुर्माना है उसको, ठीक है। ये एक दो तीन और तीनों बंदे अंदर लगे हुए हैं, ये तीनों उनके ग्रामे लगे हुए हैं। और ये हमारे सऊदी का देखे ना, ये बल्दिया लिखा हुआ सारा रुखसा, ये रुखसा बल्दिया का रुखसा है।